तो हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप दोस्तों। आज मैं आपको बताने वाला हूँ सैमसंग वन यूआई के कुछ ऐसे फीचर बताने वाला हूँ जो कि आपको सिर्फ वन यूआई में ही मिलते हैं, या फिर बोल सकते हैं सैमसंग वन यूआई के आपको ऐसे हिडन फीचर बताने वाला हूँ जो कि बहुत ही काम के फीचर है। दोस्तों ये फीचर क्या है, कैसे मिलेंगे और कैसे उसको यूज करेंगे, आगे आपको वीडियो बताने वाला हूँ। तो वीडियो को स्किप मत करिएगा दोस्तों, वीडियो को पूरा देखिएगा तो आप समझ पाएंगे। चलते हैं आगे। मेरा नाम सनी और आपका स्वागत है मेरे चैनल ऐसे टेक में। तो दोस्तों सबसे पहला जो हिडन फीचर है वो है म्यूजिक को लेके। दोस्तों अगर आप अपने सैमसंग मोबाइल में या फिर यहाँ पर कोई गाने को सुनते हैं कोई सी भी ऐप में भी या कोई ऐसी कोई म्यूजिक ऐप में भी या फिर सैमसंग की खुद के म्यूजिक प्लेयर में भी, तो आपको एक यहां पर एक कमाल की चीज बताने वाला हूं बहुत ही काम की। क्योंकि जब गाने सुनते हैं तो ऑफिशियली बात है कि आप उसमें आप अपने मोबाइल में हेडफोन भी सुनते होंगे या और मोबाइल को लॉक करके ही सुनते होंगे। बट आपको अगर वहां पर आपको अगर गाना चेंज करना हो या फिर प्रीवियस में जाना हो तो आपको क्या करना रहता था, मोबाइल को लॉक अनलॉक करो, फिर उस ऐप में जाओ, फिर जाके आप कर सकते थे। बट आप यहाँ इसके थ्रू भी कर सकते हैं वॉल्यूम अप एंड डाउन के थ्रू। तो उसके लिए मैं आपको ले चलता हूँ यहाँ पर सैमसंग म्यूजिक ऐप में, और यहाँ पर मैं अपना ही कोई सा भी यहाँ पर अपना जो रिकॉर्डिंग है कोई सी भी रिकॉर्डिंग यहाँ पर चालू कर लेता हूँ। लाइक मैं आ गया हूँ यहाँ पर, आवाज़ को बिल्कुल कम कर दिया है मैंने। तो यहाँ पर आप देखेंगे मैंने यहाँ पर एक कोई सी भी रिकॉर्डिंग को ऐसे ही यहाँ पर, तो यहाँ पर मैंने कोई सी भी एक ऐसे ही रिकॉर्डिंग या हो सकते हैं कोई भी ऐसे ही मैंने म्यूजिक को यहाँ पर चालू कर दिया है। तो आप ऊपर देखेंगे यहाँ पर ये प्ले भी हो रहा है। बट अगर आप मुझे इसको नेक्स्ट करना हो तो मुझे क्या करना रहेगा, उसको खोलना पड़ेगा। बट अब आप उसके थ्रू भी कर सकते हैं इजीली। कैसे, तो मैं आपको दोनों तरफ से करके बताऊंगा। अब मैं यहाँ पर आप देखेंगे ये चल भी रहा है, लाइव आपको दिख रहा होगा। अब मुझे नेक्स्ट करना है तो मैं सिंपली यहाँ पर ये करूंगा, सॉरी नेक्स्ट करना है तो मैं यहाँ पर ये दबाऊंगा तो आप देखेंगे प्रीवियस सॉन्ग्स में आ गया। ऊपर करूंगा तो ये नेक्स्ट सॉन्ग्स में चला गया। यहाँ पर आप कोई सी एप्स में भी तो भी ये वर्क करेगा, या फिर आप कोई से भी म्यूजिक ऐप्स में या फिर कोई से भी म्यूजिक जहां पर आप यूज करते हो तो वहां पर ये सब जगह वर्क करने वाला है। आप देख सकते हैं कितनी इजीली ये वर्क कर रहा है। बट शर्त ये है कि आपका मोबाइल यहां पर लॉक होना चाहिए तो ही ये वर्क करेगा। अब मैं आपको कोई सी भी म्यूजिक ऐप में भी इसका यूज करके बता देता हूं कैसे। तो आप देख सकते हैं दोस्तों ये यहां पर गाना प्ले हो रहा है, आपको दिख रहा होगा ये गाना यहां पर प्ले हो रहा है। अब मैं यहां पर से करूंगा ऊपर से यूं तो आप देखेंगे नीचे आपको दिख भी रहा होगा और ऊपर गाना भी वहां पर चेंज हो जाएगा। तो ये ऐसे वर्क करेगा और बहुत ही कमाल का ये वाला फीचर मुझे लगा। तो इसको इनेबल कैसे करना है, तो दोस्तों इसको इनेबल करने के लिए आपको करना क्या होगा, यहाँ जाना है आपको अपने मोबाइल के गुडलॉक ऐप में जाने के बाद आपको नीचे यहाँ फैमिली में जाने के बाद यहाँ जाना है, आपको साउंड असिस्टेंट का ऑप्शन मिलेगा, आपको उसके अंदर जाना है। उसके अंदर जाने के बाद आपको नीचे यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा कंट्रोल योर म्यूजिक विथ योर वॉल्यूम की, आपको इसको ऑन कर लेना है। यहाँ पर ऑन करेंगे और यहाँ पर आप देखेंगे इसमें ऑप्शन मिलेगा अप में आपको प्रीवियस सॉन्ग्स हो जाएंगे, डाउन में नेक्स्ट सॉन्ग हो जाएगा, ऐसे यहाँ पर अप में नेक्स्ट सॉन्ग हो जाएंगे और डाउन में प्रीवियस सॉन्ग्स। आपको जोन सा भी ये लगे आपको वो भी पैटर्न यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है और उसके बाद वो वहाँ पर काम करेगा। तो बहुत ही कमाल का ये वाला फीचर मुझे लगा। उसके बाद दोस्तों जो सेकंड बताने वाला हूँ वो है कोलाज को लेके। दोस्तों यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, अब वीडियोस का भी कोलाज बना सकते हैं क्या। दोस्तों जैसा कि मैंने बताया सेकंड फीचर ये है कि आप यहाँ पर वीडियो का भी कोलाज बना सकते हैं। आप देख सकते हैं ये मैंने वीडियो का कोलाज बनाया हुआ, आपको दिख रहा होगा यहाँ पर एक वीडियो है तो एक वीडियो प्ले हो रही है, अगर दो चार वीडियो होंगी तो सब यहाँ पर प्ले होंगी। आप देख सकते हैं आप यहाँ पर इसका एंगल भी सेट कर सकते हैं, आपके इसके डिज़ाइन भी सेट कर सकते हैं, अगर आप चाहें तो इसका रेशो भी चेंज कर सकते हैं कि कौन से रेशो में आपको चाहिए, और यहाँ पर अगर आप इसका स्टाइल भी चेंज करना चाहें तो यहाँ से स्टाइल भी चेंज कर सकते हैं। बहुत ही शानदार ये फीचर लगता है मुझे यार, वीडियो के साथ बनाना, साथ में साउंड भी आएगा। और जितनी वीडियो मतलब 6 मैक्सिमम आप कलर बना सकते हैं, जिसमें आप चाहें तो 5 वीडियो 6 वीडियो या फिर 3 वीडियो 3 फोटो ऐसा करके भी आप इसका कोलाज बना सकते हैं। आपको सिंपली करना क्या होगा, आपको यहाँ बैक आना है, आपको अपनी गैलरी में आना है, आपको उन वीडियो या फोटो को सिलेक्ट करना है। लाइक मैंने यहाँ पर 3 वीडियो ये वाली सिलेक्ट कर ली और नीचे आऊँगा, नीचे आने के बाद मैंने यहाँ पर कोई फोटो उसको सिलेक्ट कर लिया। लाइक मैंने एक फोटो ये ले ली, एक फोटो ये, 3 मेरी फोटो ये हो गई, टोटल 6 हो गई। उसके बाद मैंने यहाँ 3 डॉट्स पे गया, यहाँ पर क्रिएट पे क्लिक करा, क्रिएट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर क्रिएट कोलाज पे क्लिक करना है। जैसे ही आप कोलाज पे क्लिक करेंगे तो आपको खुद ही बता देगा, आप देखेंगे तो ऊपर 3 वीडियो है, आप देख रहे होंगे यहाँ पर ये तीनों वीडियो प्ले हो रही हैं, और आप यहाँ से चाहें तो उसका एंगल भी यहाँ से चेंज कर सकते हैं, आप रेशो चाहें तो उसका रेशो भी यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। तो ये वाला फीचर तो मुझे बहुत बेहतरीन लगा यार, कि यार होता है कि हमें कोलाज बनाना वीडियो का, तो हम यहाँ पर वीडियो का कोलाज भी बना सकते हैं, और यहाँ से चाहें तो उसका एंगल वेंगल भी सब सेट कर सकते हैं। तो बहुत ही कमाल का ये वाला मुझे फीचर लगा। दोस्तों उसके आज 4th फीचर बताने वाला हूँ, मल्टी स्क्रीन या भी बोल सकते हैं स्प्लिट स्क्रीन व्यू का। दोस्तों अगर आपको अपने मोबाइल को स्प्लिट स्क्रीन व्यू पे या मल्टी विंडो पे खोलना है तो आप देखते होंगे आपके मोबाइल में बहुत सारी ऐप्स ऐसी होती हैं जो आपके मोबाइल को सपोर्ट नहीं करती हैं, लाइक इंस्टाग्राम वगैरह, बहुत सारी ऐसी कुछ ऐप्स हैं जो सपोर्ट नहीं करती। तो उसके लिए आपको करना क्या होगा, यहाँ जाना है आपको अपने मोबाइल की सेटिंग पे,
मोबाइल की सेटिंग पे जाने के बाद आपको यहाँ जाएंगे एडवांस फीचर पे। एडवांस फीचर पे जाने के बाद आपको यहाँ पर जाना है लैब में, और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलता है मल्टी विंडो फॉर ऑल एप्स, आपको इसको इनेबल करना है। इसके इनेबल करने के बाद होगा क्या, अब आप यहाँ पर मल्टी विंडो पे आप अपने इंस्टाग्राम को भी चला पाएंगे। कैसे, लाइक मैंने यहाँ पर ये मल्टी विंडो को ओपन कर लिया, तो ये मल्टी विंडो को ओपन कर लिया और मैं यहाँ पर चला गया इंस्टाग्राम को आपके सामने यूज़ करूँगा। आप देखेंगे इंस्टाग्राम भी मेरा यहाँ पर मल्टी विंडो पे ओपन हो गया, आपको दिख रहा होगा। एरर जरूर बताएगा कि भैया थोड़ी दिक्कत हो सकती है, बट वो चलता है। अभी नेट कनेक्टेड नहीं है तो आपको कुछ दिखेगा नहीं, बट ये यहाँ पर इंस्टाग्राम भी यहाँ पर चलने लगा। आप देख सकते हैं व्यू हो गया, आप कहीं भी जाएंगे होम व्योम सब चालू यहाँ पर हो चुका है। तो ये आप देख रहे होंगे ये चालू हो चुका है। तो मुझे तो यार ये वाला फीचर भी बहुत शनन लगता है यार, बहुत काम का ये वाला फीचर है। दोस्तों फोर्थ फीचर वो है, जैसा कि आपने देखा होगा मैंने गैजर से वहां पर स्प्लिट स्क्रीन को व्यू को ऑन करा था, तो ये गैजर ही फोर्थ फीचर है। तो इस फीचर को आपको कैसे इनेबल करना है, इसमें बहुत सारे आप चीजें कर सकते हैं। तो लाइक आप देखेंगे मैं ऊपर की तरफ स्वाइप करूंगा तो यहाँ स्क्रीनशॉट भी ले सकता हूँ, यहाँ नीचे की तरफ करूंगा तो मैंने स्प्लिट स्क्रीन व्यू का ऑप्शन हो जाता है, यहाँ ऊपर करूंगा तो आपको ऐसा ऑप्शन मिल जाएगा, यहाँ नीचे करूंगा तो यहाँ पर रिसेंट एप्स भी मिल जाएगी। तो बहुत ही काम का ये गैजर है। तो उसको इनेबल करना कैसे है, उसके लिए आपको जाना है यहाँ पर अपने मोबाइल के गुडलक ऐप में। गुडलक ऐप के अंदर जाने के बाद आपको जाना है माय फैमिली वाले सेक्शन में, यहाँ पर जाने के बाद आपको मिलेगा वन हैंड ऑपरेशन का, तो आपको इसको ऑन कर लेना है। इसमें बहुत सारे कीज है और बहुत सारे शॉर्टकट्स हैं जिसका आप यूज कर सकते हैं, और बहुत ही काम के ये फीचर है। इसके लिए मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, डेडिकेट वीडियो, उसका लिंक मैं आई बटन में दे दूंगा, जाके आप देख सकते हैं। आपको सिंपली अभी मैं आपको नॉर्मल से बताता हूँ, अगर आपको किसी को यहाँ पर इनेबल करना है तो यहाँ पर जाना है लेफ्ट साइड में। लेफ्ट साइड में आपको क्या करना है, तो यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेना है। लाइक आप यहाँ पर क्यूक टूल्स का भी ऑप्शन ले सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ ऊपर क्यूक टूल्स कर लिया है, तो अब मैं बैक आके यहाँ पर ऊपर की तरफ करूंगा तो आप देखेंगे यहाँ पर क्यूक टूल्स का भी ऑप्शन आ जाएगा। तो ये बहुत ही काम का ये वाला फीचर है। तो ये फोर्थ फीचर तो ये था। उसके दोस्तों फिफ्थ फीचर बताने वाला हूँ, जो कि बहुत ही काम का फीचर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है। ये फीचर बहुत लोगों को लगता है यार ये फीचर काम कैसे करता है, और एक्चुअल में ये होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। दोस्तों होता क्या है, जब भी आप अपने मोबाइल में कभी स्क्रीनशॉट लेते हैं तो आपने देखा होगा, तो मैं आपको बताता हूँ लेके। तो लाइक मैं आ गया हूँ अपने यहाँ पर, लाइक मैं अपने व्हाट्सअप चैट में आ गया हूँ और मुझे ये स्क्रीनशॉट लेना है। तो आप देखेंगे मैंने ये स्क्रीनशॉट लिया और मैं यहाँ पर कीबोर्ड में जाऊँगा तो आप देखेंगे यहाँ पर आपको ये कॉपी हो गया और ऑटोमेटिक आपको पेस्ट का ऑप्शन मिल रहा है, मतलब कि क्लिप कार्ड में आपका ये सॉरी क्लिप बोर्ड में ये सेव हो गया। अगर आप नहीं चाहते कि कोई भी स्क्रीनशॉट आपका क्लिप बोर्ड में सेव हो, ताकि आप उसको ईजिली, मतलब कहीं भी आप नहीं चाहते यार क्लिप बोर्ड में आना चाहिए, सीधी बात ये, तो इसको भी आप हटा सकते हैं। तो उसके लिए आपको करना क्या होगा, वापस आपको अपने मोबाइल के गुडलॉक ऐप में जाना है, यहाँ पर आपको मिलेगा नाइस शॉट नाम से एक मॉड्यूल, उसमें जाना है और यहाँ पर आपको मिलेगा डू नॉट कॉपी इमेज टू क्लिप बोर्ड वैन सेविंग। जब भी आप इसको करें तो वो कभी सेव नहीं होगा। अब लाइक अब मैं इसी का स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ, आप देखेंगे मैंने इसी का स्क्रीनशॉट ले लिया है और अब मैं आ गया हूँ वापस यहाँ पर, तो आप देखेंगे वो पुराना वाला ही बताएगा बट नया इमेज नहीं आएगी। अब मैं दोबारा लेके बताता हूँ, लाइक मैंने ऐसे ही इसका ले लिया, ये वाला इमेज ले लिया, ठीक है। अब मैं इधर आ गया हूँ तो आप देखेंगे वो नहीं आया। तो ये ऐसे काम करता है और बहुत ही कमाल का ये वाला फीचर है यार, हम नहीं चाहते यार हमें मिले, तो वो आप वहाँ से हटा सकते हैं। दोस्तों यही मैंने पांच फीचर आपको बताया जो कि सैमसंग वन यूआई में मिलते हैं और मुझे तो बहुत पसंद है। उम्मीद है कि आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी, तो थैंक यू। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको ये मेरी वीडियो पसंद आएगी। दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो पसंद है तो प्लीज लाइक जरूर करें। अगर आपको लगता है दोस्तों मेरी वीडियो कुछ कमी तो मेरे डिसलाइक भी सकते हैं दोस्तों, और अगर आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं इस वीडियो से रिलेटेड या कुछ भी, आप मुझे डायरेक्टली कमेंट करके पूछ सकते हैं या फिर हमें डायरेक्टली इंस्टाग्राम पर डीएम करके ही पूछ सकते हैं। और सबसे जरूरी चीज दोस्तों, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज यार मेरे चैनल सब्सक्राइब करना होने, ताकि मेरे चैनल की नेक्स्ट वीडियो की अपडेट आपको सबसे पहले मिले, और हो सके तो मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक फॉलो करना भी ना भूले, इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो थैंक यू दोस्तों।